दोस्तों, हम चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट एमयू में एडमिशन ले तो उसका प्लेसमेंट्स हो जाए। प्लेसमेंट का मतलब होता है नौकरी मिल जाए। हर बच्चा स्टडी करता है, पढ़ाई करता है कि पढ़ने के बाद मैं नौकरी करूंगा, नौकरी करने के बाद घर वालों को सपोर्ट करूंगा, पैसा होगा, घर बनवाएंगे, परिवार को पालेंगे और भी जो भी इच्छाएँ होंगी वो पूरी करेंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी मुहिम में स्टूडेंट के हित के लिए, देश के हित के लिए प्लेसमेंट सेल बनाया है। प्लेसमेंट सेल में होता क्या है कि प्लेसमेंट वाले कंपनी को बुलाते हैं और बच्चों को नौकरी दिलवाते हैं। इसके अलावा बीच बीच में बच्चों में क्या हुनर होना चाहिए, क्या स्किल्स होना चाहिए, क्या एजुकेशन लेवल होना चाहिए, उसको भी कंपनी वालों को बुला के ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे उस लायक बने, नौकरी लायक बने। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बखूबी निभा रहा है। अभी 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है जिसको आप पिक्चर में देख रहे हैं। ऐसे कई वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी और भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट अच्छा है उसमें बच्चे भर भर के आना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी लेना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। सरकारी नौकरी डे बाई डे कम हो जा रही है, प्राइवेट नौकरी में कोई भरोसा नहीं है, कभी 10,000 निकलेगा, कभी एक भी नहीं निकलेगा, कभी 10,000 को निकाल भी देते हैं। तो आए दिन छटनी होती रहती है, जिसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं या ले ऑफ बोलते हैं। तो कंपनी धीरे धीरे क्या करती है, खूब हायर करती है, खूब फायर भी करती है। तो प्राइवेट का भरोसा नहीं है, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, तो नौकरी बच्चे करें तो क्या करें। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस मुहिम में बेहतर कर रही है और भर भर के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। आप कुछ बच्चों के इसमें पिक्चर में देख रहे हैं। मैं कई वीडियो बना चुका हूं आपके खुशी के लिए, आपके मोटिवेशंस के लिए कि एएमयू में टेस्ट देके होता है तो बच्चे बहुत सारे छट जाते हैं। लेकिन तैयारी करते रहिए, अगर आप बेहतर तैयारी करेंगे तो आपका एडमिशन भी सुनिश्चित हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा। तो एडमिशन लेने के लिए आपको तैयारी करनी पड़े। तैयारी 10 दिन में, एक महीने में नहीं होगा, पूरी साल की तैयारी, पूरे आपके एकेडमिक्स की तैयारी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में झलकता है, उसमें सिलेक्शन में आपका उसका रोल होता है। तो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं एडमिशन हो, लेकिन बेसब्री से तैयारी नहीं करते। तो तैयारी भी करते रहिए। आपकी तैयारी में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, TBIT कैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमने बहुत सारे कोचिंग लैब्स वगैरह, लैब्स मैं कह रहा हूँ, कोचिंग सेंटर्स ऑफलाइन ऑनलाइन सब करवाए हैं आपके बेनिफिशियल्स के लिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए और क्या बेहतर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे हैदर साहब बहुत मेहनत करते रहते हैं आपके लिए, हॉस्टल के साथ बच्चों को रहने खाने पीने का सब व्यवस्था देखते रहते हैं, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। उनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाता है, उनसे कांटेक्ट करके वो सालों भर आपकी तैयारी करवाते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपको दाखिला लेकर डिग्री नहीं मिलता है, नौकरी भी मिलता है, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। कई वीडियो बना चुका हूं प्लेसमेंट्स के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट हो रहा है। आप देखेंगे आपके भाई बहन जहां भी पढ़ रहे होंगे वहां प्लेसमेंट की बहुत कमी है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत अलग अलग कोर्सेज में, जिसको आप उम्मीद नहीं कर सकते, लोग कहते हैं अरे फालतू का कोर्स है, वैसे कोर्सेज भी बहुत अच्छे रंग लाते हैं। बीटेक के भी बच्चे हैं, एमबीए के भी बच्चे हैं, एमएससी के भी बच्चे हैं, एमकॉम के भी बच्चे हैं। जैसे अरसला असद जो है एमकॉम है, तो इनका लर्निंग शाला में हुआ है। एमए साइकोलॉजी से है मुनज्जा साजिद, इनका हुआ है। अंजलि राघो है एमएससी जूलॉजी, इनका प्लैनेट स्पार्क में हुआ है। तो बच्चों का सिलेक्शन हर तरीके से हो रहा है।